आज की वीडियो नो मेकअप मेकअप लुक पर है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप गर्ल्स हैं या फिर कॉलेज गर्ल्स हैं और आपको लाइट मेकअप पसंद है, बिल्कुल नो मेकअप लुक पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ना ही कोई फाउंडेशन यूज किया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मेकअप के प्रोडक्ट यूज किए हैं, और सिर्फ दो से तीन प्रोडक्ट से ही नो मेकअप मेकअप लुक किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हमने, अपने फेस को वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैं सिंपल जो है यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें जो है मॉइस्चराइज़र भी है एलोवेरा जेल में। तो देखिए, आपकी ड्राई स्किन है तो आप अलग से मॉइस्चराइज़र का यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है एलोवेरा जेल यूज किया है, और इसको यूज करने के बाद, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बोलती हूँ आपको कि आपको कम से कम 2 मिनट जो है अपनी स्किन को रेस्ट पर, यानी कि अपने फेस को रेस्ट पर छोड़ना होता है, ताकि जो भी आप प्राइमर या फिर एलोवेरा जेल लगा रहे हो तो वो आपकी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए, उसके बाद जो है मैं अपनी आईब्रो को फिल करने लगी हूँ। तो देखिए, आप मेकअप करें या ना करें, बट आपकी आईब्रो अच्छे से फिल ना हो तो आपके फेस पर जो है एक अलग सा ही जो है बदलाव होता है। तो इसलिए आप जो है आईब्रो को ज़रूर फिल करें, चाहे आप कितना भी लाइट मेकअप कर रहे हो, बट आप अपनी आईब्रो को ज़रूर फिल करें। तो यहाँ पर 10 रुपीस वाली आई पेंसिल से, यानी कि आईब्रो पेंसिल से मैंने अपनी आईब्रो को फिल किया है, और उसके बाद जो है सिंपली मैंने पॉन्स की बीबी क्रीम ली है और बहुत ही कम अमाउंट में ली है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ क्रीम। तो देखिए, डॉट डॉट करके मैंने आइज के नीचे लगाई है, थोड़ा मैंने जो है नोज पर लगाई है, थोड़ा मैंने चिन पर लगाई है, फोरहेड पर लगाई है। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ये क्रीम को अप्लाई किया है। देन उसके बाद जो है हम इसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। तो देखिए, ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपका फाउंडेशन हो या फिर आप बीबी सीसी क्रीम जो भी अप्लाई कर रहे हो, बट आपकी जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो ब्लेंड में कम से कम 2 से 3 मिनट जो है जाती ही जाती है, तो मैं इसको ब्लेंड करके मिलती हूँ आपसे। तो आप देख सकते हो, आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो क्रीम, जैसे आपको मेकअप पसंद है या फिर जैसा लुक आपको पसंद है वैसे आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर आपकी च्वाइस है, आप चाहे तो अपनी जो क्रीम आपने लगाई है उसको सेट कर सकते हो किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो लूज पाउडर से भी आप जो है इसको सेट कर सकते हो, और आपको नहीं सेट करना तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर से जो है अपनी बेस को, यानी कि क्रीम को सेट कर लिया है। देन उसके बाद जो है मैं बिल्कुल हल्की हल्की आईज मेकअप कर रही हूँ, बहुत ही लाइटली जो है मैं यहाँ पर लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा बदलाव आएगा हमारी आईज में, और जो है वरना नेचुरली लगेगी। तो देखिए, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपको पसंद है तो आप थोड़ा जो है डार्क भी कर सकते हो। और उसके बाद जो यहाँ पर मैंने जेल लाइनर ली है, तो देखिए जेल लाइनर मैं बिल्कुल हल्की हल्की लगाऊंगी, देन उसके बाद जो है इसको ब्लेंड करूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आए हमारी आईज पर। तो देखिए, आप देख सकते हो, ना ही आपको लगेगा कि आपने आईज मेकअप किया है, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी आईज को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो देख सकते हो आप, मैंने इसको जो है लाइनर को लगाया है, देन उसके बाद फिंगर से ही इसको जो है ब्लेंड किया है। तो देखिए, आपको डार्क लगता है तो आप लाइट भी कर सकते हैं, लाइट लगता है तो आप डार्क भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हो, सिर्फ मैं एक आइडिया बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर काजल ली है, और जो कि मैंने हाफ आईज में जो है अप्लाई की है काजल, क्योंकि काजल जो है हमारी आईज को बड़ा करती है और बहुत ही प्यारी लगती है काजल हमारी आईज में। और इसके बाद जो है देखिए, हम यहाँ पर कोई फॉललेसेस का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हम नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हैं और बहुत ही लाइट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो है हल्का हल्का जो है मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी लैसेस पर, ताकि जो हमारी लैसेस है थोड़ी अच्छा सा वॉल्यूम आए हमारी लैसेस में। तो देखिए, आपको मस्कारा नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और आपको पसंद है तो आप मेरी तरह लगा भी सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो है आईलैशेस पर जो है मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लिया है।
और उसके बाद आप देख सकते हो कि हम जो है लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए जो है लिपस्टिक, बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं कि लिपस्टिक नहीं अप्लाई कर पाती हैं, तो देखिए आप जो है लिप पेंसिल का भी यूज कर सकती हो, जो बिल्कुल लाइट वाली लिप पेंसिल आती है उसका बिल्कुल हल्की हल्की क्वांटिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो आपका लिप कलर है थोड़ा चेंज लगे। और आपको थोड़ा सा जो है लिप कलर चाहिए तो आप जो है लिपस्टिक को भी हल्का हल्का करके जो है अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो देखिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिपस्टिक भी अप्लाई की है, और आपको पसंद है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आपको पसंद नहीं है तो आप कोई भी लिप ग्लॉस का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है मेकअप को डन कर लिया है बहुत ही कम टाइम में, और ये मेरा फाइनल लुक है। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ इयररिंग्स पहने हैं और कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हो आपकी अकॉर्डिंग आपको जो भी ज्वेलरी वेयर करनी है, नहीं करनी है, हेयर स्टाइल बनाना है या फिर आपको अपने बालों को ओपन छोड़ना है, तो जैसी आपकी विश है, जैसी आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। और जी ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, नो मेकअप मेकअप लुक है। और भी बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर, जाकर आप चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।